हेलो फ्रेंड्स, मैं सी रमेश पांडे। आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। आज हम यहां सीखेंगे बेसिक्स, कुछ फॉर्मूलेज एंड रैंडम बिटवीन कैसे यूज करना है। तो जैसे मेरे पास यहां डेटा रेडी है, ये रोल नंबर्स है, कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं और सब्जेक्ट वाइज उनका मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूं, होम बटन पे जाके क्लिक करके। मुझे यहाँ टोटल चीज, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके एरो डाउन करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था, तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जितना भी लॉन्ग डेटा होगा कंटिन्यूअस में, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहां पे प्रेस कीजिए ऑल्ट प्लस, ऑल्ट प्लस आप प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए आपको टोटल आ गया। अब मुझे यहां पे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इसके लिए आपको टोटल मार्क्स पता होना चाहिए। टोटल मार्क्स 25 मार्क्स इस सब्जेक्ट का है, तो आपको टोटल आपका 25 इंटू सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6, यहां पे 150 आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 143 इंटू 100 डिवाइड बाय 150, बिकॉज 100 एंड 150 इज फिक्स, इसलिए ये एवरी फॉर्मूला में यही यूज होगा टू कैलकुलेट। अब ये 95.3333 आपको राउंड अप करना है, तो इसके पहले आप यूज कर सकते हैं राउंड अप। दो डिजिट तक आपको परसेंटेज चाहिए, ये आ गया आपका 95.34। तो राउंड अप फॉर्मूला का यूज भी आपको यहां दिख रहा है कि कैसे यूज करना है। आप यहां पे क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, यहां आपको आपको परसेंटेज मिल गया। आप यहां से टोटल डिलीट कर दीजिए। मुझे मैक्सिमम मिनिमम, अब मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में रोल नंबर 1 का हाईएस्ट मार्क्स है, आप यहां पे चेक कर सकते हैं। मैक्स मिनिमम MIN, मिनिमम आपको मिनिमम सिलेक्ट करना है, अब यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं 23। एवरेज आपको एवरेज मार्क्स, तो एवरेज आ गया 23.833। आप इसको भी अगर राउंड अप करना चाहते हैं तो आप यहां पे राउंड अप कर सकते हैं, ब्रैकेट टू डिजिट तक आपको राउंड अप करना है, राउंड अप हो गया। यहां पे आप स्क्रॉल करेंगे, यहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज ये मार्क्स आपको यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करना है आपको मैंने यहां फॉर्मूला दिया है, मैक्स मिनिमम और एवरेज, आपको एवरेज। अब आपको चेक करना है कि यहां पे फॉर्मूला कहां कहां पेस्ट है और फॉर्मूला आपको डिस्प्ले करना है, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल और
मतलब स्केप बटन के नीचे जो बटन दिया हुआ है वो आपको प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे सब फॉर्मूला डिस्प्ले होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, कहाँ कहाँ फॉर्मूला है। वापस आप कंट्रोल टिडले प्रेस कीजिए, यहां से फॉर्मूला हट जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमें फॉर्मूला डिस्प्ले करना होता है तो हमें जाके F2 प्रेस करना होता है या आपको वो कर्सर पे जाना होता है। लेकिन आप अगर कंट्रोल टिडले जो एस्केप के नीचे बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ फॉर्मूला यूज है। ये नंबर्स, किसी को फॉर्मूला अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करके वो अपना परसेंटेज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है या निकाल सकता है। अब आपको यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज किसका आया है? मैक्स आप डिस्प्ले करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज है 95.34, तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज मिल गया। थैंक यू।